में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज और बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते अवार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साउथ एमसीडी का एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव आज शाहीन बाग के इन्हीं इलाकों में चलने वाला था। कालिंदी कुंड से लेकर जामिया नगर थाने तक ये तैयारी थी साउथ एमसीडी की कि आज इस इलाके में जो इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। इस इलाके में बुलडोजर से लेकर सरकारी अफसर सब कुछ साउथ एमसीडी की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन साउथ एमसीडी के ऑफिशियल्स का कहना है क्योंकि उन्हें प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिली, इस वजह से आज की जो कार्रवाई थी उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लोगों से भी समझते हैं आखिरकार यहाँ क्या समस्या है, क्या नोटिस मिला कि नहीं। आपका नाम क्या है? लीला। कितने साल से दुकान चला रही हैं आप यहाँ? 15 साल। 15 साल से ज्यादा हो गया है। 15 साल से ज्यादा हो गया है। 15 साल से ज्यादा हो गया। और क्या एमसीडी की तरफ से आप लोगों को नोटिस मिला था? नहीं, कुछ कार्रवाई चेतावनी दी गई थी कि हटा ले। 5 बजे शाम में आए थे स्कूटी पे, हाथ दो जने आए थे, बोले थे अपना सामान पीछे कर लेना। अच्छा, और चले गए थे। क्या बुलडोजर चलेगा ऐसा बता के गए थे? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो गए तोड़ने बता के गए। क्या नाम है आपका सर? संजय कुमार चौधरी। आपकी की दुकान है ये? जी। क्या बता गए थे एमसीडी वाले? उसने कल दो आदमी आए थे बाइक से, उसने बोला जब आपका कोई नोटिस मिला है? तो मैं बोला नहीं, नोटिस तो नहीं मिला मुझे। बोला कल टूटेंगे यहाँ, तो मैं बोले कि जब मेरे पास तो कहीं कुछ है नहीं रहने को, बच्चे लेके तो यही सोना बैठना, घर भी यही है, दुकान भी यही है, तो हम कहाँ जाए? तो बोला आप पीछे कर लो कहीं। मैं बोला पीछे तो नाले है, कहाँ करूँ? तो आपको नोटिस दिया गया था कल, एक तरह से बताया, आगाह किया गया था, चेतावनी दी गई थी कि कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, ये बोल के गए, बता के गए थे, पर वो जो नोटिस होते हैं वो चीज नहीं मिले, बोल के गए। शाम कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ 15 साल से ऊपर हो गए। और ये कमाई का एक ही जरिया है? बस एक ही जरिया है, यही से हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 3 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक वाइफ और एक हम 5 परिवार से हूँ, और इसी से हमारी बच्चों की गुजारा हो रही है, सारे चीज अपना दुख सुख गुजार रहे हैं किसी तरह। और ये टूट जाने हट जाने से मैं बिल्कुल इससे भी और रोड पे ज्यादा करके आ जाएंगे, बेघर हो जाएंगे हमारे बच्चे, हम जो है धूप में बारिश तो में ऐसे रहेंगे। गुहार लगा रहे हैं आप? एमसीडी से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार से हमें कहीं जगह दे दिया जाए, हम बच्चे लिए। कुछ और लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। इस पूरे इलाके में आज एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला था, जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए, इसकी जानकारी थी आप लोगों को? हाँ, इसकी जानकारी तो मैक्सिमम 15 दिन से ही पब्लिक के अंदर जागृत है। क्या असर पड़ा इसका? इसका काफी असर पड़ा है, देखने में ये दिख रहा है कि जो रोडों पे अतिक्रमण था वो हट करके अपनी दुकानों के अंदर हो गया, वो अतिक्रमण नहीं फैल रहा है, क्योंकि उनके अंदर दिल के अंदर डर और भय पैदा हो गया है कि हो सकता है शायद बुलडोजर आए और यहाँ से कार्रवाई हो। मेरा नाम फरमान खान है। सर, आपका नाम क्या है और अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उस पे क्या राय? मेरा नाम बशीर खान है सर, मगर हो तो सही रहा है सब कुछ जी। जो रोड पे से कचरा हट रहा है उससे मैं खुश हूँ, मगर इनकी दुकान जो जा रही है बेचारों के, इनसे मैं ना सर, ये गरीब लोग हैं जो रोड पे पड़े हुए हैं, जिनके रोड पे रोजी रोटी चल रही है, अपने घर परिवार अपने बच्चों को पाल रहे हैं, दुकानों पे जिनका सामान है वो अमीरों की दुकानें हैं, अमीरों का सामान था, उन्होंने अपनी दुकानों में रख लिया, इन गरीबों का क्या होगा सर? बस हमारा यही कहना सर इन गरीबों के बारे में, इन पे भी थोड़ा कई लोग राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। नहीं नहीं, ये कोई इसमें कोई राजनीति या क्या नाम है वो बात नहीं है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, तो सभी को देख रहा है, अगर जो ये अंतिक्रमण नहीं हटेगा तो इमरजेंसी में कोई पेशेंट को या कोई अस्पताल या कहीं पर जाना पड़ जाए तो हमारी गाड़ी नहीं पास होती है यहाँ से। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या। जी जी, तो साउथ एमसीडी का बुलडोजर इस इलाके में चलने वाला था, लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटना जरूरी है क्योंकि इस इलाके में इमरजेंसी की सिचुएशन में एम्बुलेंस तक जाने की जगह नहीं बचती अतिक्रमण की वजह से। वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल इन लोगों के लिए है जिनकी आजीविका अर्निंग का इकलौता सोर्स इसी तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं जो इस इलाके में थी, अब उन्हें डर है कि अगर बुलडोजर चलेगा दुकानें हटा दी जाएंगी तो घर में रोटी कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है जो इन लोगों के सामने बना हुआ है। दूसरी तरफ साउथ एमसीडी के ऑफिशियल्स का कहना है कि आज वो लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं मिली थी।